Stress doesn't come by the amount of load you carry. It comes by the way you carry it. जैसे वेट लिफ्टर्स होते हैं, अगर हमको कहा जाए कि ये 50 केजी की ये वेट है, अब इनको उठाओ, तो हम सबको तकलीफ पड़ती है। और जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको तरकीबें आती हैं, तो ये लोग 300, 400, 450 किलो तक वेट लिफ्ट कर लेते हैं। और हम लोग 50 किलो में भी थक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो स्ट्रेस डजंट कम बाय द अमाउंट ऑफ लोड दैट यू कैरी, इट कम्स बाय द वे यू कैरी इट। तो उसमें वे ये है, एथिकल प्रैक्टिसेस हमेशा रखना, तो आपको जीवन में आनंद आएगा। अदरवाइज इफ यू डोंट गो फॉर एथिकल प्रैक्टिसेस, यू कैन बिकम जीरो फ्रॉम हीरो विद इन सेकेंड्स। आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, लेकिन अगर आपने असत्य प्रैक्टिसेस की तो आपकी कंपनी का नाम सत्यम है और आपने असत्य प्रैक्टिसेस की, आप कहलाते हो किंग ऑफ द स्काई, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आपको भारत छोड़ना पड़ता है और डिप्लोमेट्स पास को। आप हजारों परिवार के सहारा बने हो, हजारों परिवार को आपने घर बना के दिए हैं, लेकिन अगर आपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आप 4 साल से तिहार में बेसहारा रह सकते हो। आया ना, 20,000 करोड़ पर्सन इज इन तिहार फॉर 4 ईयर्स, since 4 years. What I mean to say is, ethical practices अगर आपने छोड़ी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये जरूर बात आती है। मैं ही आपको बात करता हूं, कोई दो पुस्तक पढ़ ली या दो कोई आर्टिकल पढ़ लिया इस और यहां आ गए, ऐसी बात नहीं है। I come from one of the largest organizations in the world. हमारी संस्था है दुनिया की प्रथम 10 में से एक संस्था है, the BAPS स्वामीनारायण संस्था। आपने अक्षरधाम देखा होगा दिल्ली या गांधीनगर में, just raise your hands. सभी ने देखा है। ऐसे छोटे मोटे हमारे 1300 कैंपस है विश्व में, 1300। हमारे 80 से भी ज्यादा हमारी हॉस्पिटल, स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस है। हम 160 प्रकार की प्रवृत्तियां, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, मेडिकल, एनवायरमेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं। हमारी संस्था को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट है इन द एनजीओ कैटेगरी। एवरी फ्राइडे रिप्रेजेंटेटिव सिट्स इन द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। तो हम भी सब प्रवृत्ति करते हैं, ये सब संस्थाएं चलाते हैं, तो हमें भी पता है मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एचआर क्या है, नेटवर्किंग क्या है। और हम जो 1200 संत है उसमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं। हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन हैं, उनमें से 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल में से पढ़े हैं। हमारे कई संत $1,00,000, $1.5 लाख या $2 लाख की तनख्वाह छोड़ के 25 साल की उम्र में संत हुए। तो मैं जो आपको बात कहना चाहता हूं, कह रहा हूं, वो कोई दो बात पढ़ ली इसलिए नहीं, वी हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग एंड वी कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड एंड कल्चर बैकग्राउंड। यही बात सही है। इन शॉर्ट, इवन इफ यू आर एन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड आफ्टर 35 years ऑफ योर प्रैक्टिस यू डोंट हैव द राइट टू पुट योर फिंगर इनसाइड द प्लग। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, 35 साल की आपकी प्रैक्टिस है, आप रविवार सुबह बैठे हो और संडे टाइम्स पढ़ रहे हो, हाथ में कप ऑफ कॉफी है, तो आप प्लग को ये नहीं कह सकते सामने बैठ के कि देखो मैं चेयरमैन हूं, 35 साल से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूं, ये मेरी उंगली है चेयरमैन फिंगर, और वही उंगली आप प्लग में डालो। इलेक्ट्रिक सिटी चेयरमैन की उंगली को नहीं पहचानती, चेयरमैन के हार्ड मास को ही पहचानती है, चेयरमैन की पावर पोजिशन नहीं पहचानती। उसी तरह एथिकल प्रैक्टिसेस चेयरमैन, एमडी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सीईओ को किसी को नहीं पहचानती। एथिकल प्रैक्टिसेस, एथिक्स डजंट नो योर पोस्ट पोजीशन एंड पावर, इट ओनली नोज योर फ्लैश एंड ब्लड। इलेक्ट्रिसिटी जैसे मारती है ना, ये भी मार देंगे। देखो मैंने 2-3 प्रसंग तो कहे कैसे मार दिए। तो ये बात सही है।
एथिकल प्रैक्टिसेस रखेंगे तो कभी तनाव नहीं आएगा, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा।